हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, मान लो कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और ये हमने बैटरी लगा रखी है, ठीक है। बैटरी का हमारे पास क्या काम होता है, वी वोल्टेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। कंडीशन क्या है कि जो ये कंडक्टर है, इसकी जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर रिमेंस सेम, रिमेंस सेम। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया कि जब ये हमारे पास कंडक्टर है और इसकी जो ये फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर प्रेशर, वो अगर कांस्टेंट रहती हैं, तो जितना ज्यादा वोल्टेज हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज अप्लाइड इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स सेम, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिकली द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आई। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं, तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगाना होता है, और ये हमने लगा दिया आर, तो ये हमारे पास ओम्स लॉ आ गया। यहां पे आर को हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट known as resistance, ठीक है। तो याद तक कर लेंगे बच्चों, ये था हमारे पास ओम्स लॉ, ठीक। डिफाइन करता हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज अप्लाइड इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर लाइक टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स सेम। मैथमेटिकली हम करेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, इसको दूसरी तरह से लिखेंगे, वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाएंगे, तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, जो हमारे पास क्या है यहाँ पे, आर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, देखो जो कोई भी कंडक्टर है और उसमें से करंट फ्लो करता है, तो इस कंडक्टर की एक करैक्टरिस्टिक्स होती है, एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जो इस फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अपोज। तो कोई भी कंडक्टर है या कोई भी मटेरियल सब्सटेंस है, उसकी एक करैक्टरिस्टिक्स होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो क्या करेगी, उस सब्सटेंस के अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देगी, उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द मटेरियल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है बच्चों, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, जैसे वुडन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, स्टील का कम होता है, आयरन का कम होता है, ठीक है। तो मेटल्स जो होती है, गुड कंडक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। और जो इंसुलेटर होते हैं उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। तो जो मटेरियल है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसके साथ साथ किस बात पे डिपेंड करेगा, कि जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा लेंथ के ऊपर। मान लो हमारे पास कोई भी एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, जैसे 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 हम उसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और अगर हमने एरिया को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं
directly dependent on length, inversely dependent on area. और जब हम इस proportionality sign को हटा के equal का sign लगाएंगे, तो एक proportionality constant हमें लगाना पड़ेगा, और वो होता है बच्चों हमारे पास electrical resistivity, L by A. ठीक है? तो यहाँ पे rho क्या है हमारे पास? This is also a proportionality constant. Proportionality constant known as electrical resistivity. इसको हम क्या नाम देंगे? Electrical resistivity. कर लेंगे बच्चों यहाँ तक? ठीक है. इसके बाद हमारे पास आता है कि ये resistivity होती क्या है. देखो, अगर हमने कोई भी conductor लिया, ये conductor ले लिया हमने कोई भी, ठीक है, इसकी length क्या है? L, और इसका area जो है वो क्या है? A. अब हम क्या करते हैं कि जो इसका resistance होगा, इसका material का, that is equal to rho L by A होगा. मैंने यहाँ से unit length उठा लिया, L equal to क्या ले लिया? 1. और area भी मैंने क्या ले लिया? Area भी मैंने unit area ले लिया. ठीक, तो area equal to 1. तो हम R क्या हो जाएगा हमारे पास? Rho 1 by 1. ठीक है, तो हमारे पास resistivity किसके equal आ गया? Resistance. तो हम resistivity को define कैसे करेंगे? The resistance offered by unit length and the unit area of cross section, that is known as resistivity. कोई भी material substance है, कोई भी material object है, अगर हमने उसकी resistivity निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? उसमें से unit length और unit area of cross section लेके और उसका resistance निकाल लेंगे. उसी resistance को, the resistance offered by unit length and the unit area is known as resistivity. कर लेंगे यहाँ तक? देखो बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होता है वो तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस होता है. तो रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती. मान लो कि मैं, हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल टू था रो एल बाई ए. ठीक है, तो अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूं, लेंथ को बढ़ा के कितना कर दिया? डबल. तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल. लेंथ को अगर मैं ट्रिपल कर देता हूं तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना. लेंथ को अगर मैं 4 गुना बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना. लेकिन अगर मैं एरिया को 4 गुना बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस 4 गुना क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ये इनवर्सली डिपेंडेंट है. ठीक है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता. कर लेंगे यहां तक? ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. लास्ट एक है बच्चों हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ठीक, हमने एक रिलेशन है वो हमें याद रखनी पड़ेगी. जैसे रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. ठीक, यहां पे अल्फा क्या है हमारे पास? टेम्परेचर कोफिशियंट. ये क्या है हमारे पास? टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस. कर लेंगे बच्चों? ठीक है, इसी तरह से रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. यहां अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी. टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, कर लेंगे बच्चों यहां तक. इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो उस केस में जो अल्फा होता है, ये अल्फा ले लो चाहे ये अल्फा ले लो, इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव. एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर द कंडक्टर इज पॉजिटिव, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इसके लिए बच्चों अल्फा क्या होती है? नेगेटिव. क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब देखो,
अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, मान लो कि मैंने कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने यही मटेरियल ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक। अब इसका पहले टेम्परेचर था T1 और फिर हम बढ़ा के टेम्परेचर क्या कर देते हैं T2। टेम्परेचर T1 से बढ़ा के हमने क्या कर दिया T2 कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर बच्चों याद है? अब देखो अगर मैं बात करूं कंडक्टर की तो अल्फा क्या होगा पॉजिटिव, तो हमारे पास देखो ये T2 माइनस T1 भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ा के क्या कर दिया T2, T2 ज्यादा है T1 कम है, तो ये पॉजिटिव, अल्फा भी पॉजिटिव, तो RT1 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। एट टेम्परेचर T2 जो रेजिस्टेंस होएगा वो T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उससे क्या होगा ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, देखो उस केस में अल्फा क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो हमारे पास क्या होगा ये वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन अल्फा नेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो गया नेगेटिव, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा एट टेम्परेचर T2 वो आ जाएगा कि इस वे से कुछ ना कुछ क्या होगा माइनस, क्योंकि अल्फा क्या है हमारे पास इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में नेगेटिव है। कर लेंगे याद? तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हम ये कह देंगे कि विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बट द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज। सेम प्रोसेस रहेगा बच्चों रेजिस्टिविटी के केस में कि विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज बट द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास ये T2 क्या आ जाएगा अल्फा, इसको हम ऐसे रख देंगे 1 माइनस अल्फा T2 माइनस T1 कर लेंगे यहां तक। तो ये था बच्चों हमारे पास ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह होंगे उनके बारे में, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक यू।